एग्जाम 2 बजे तक था, जो कि हम लोग के क्लास में कोई नहीं था, ना OMR सीट मिला 15 मिनट पहले, जो भी मिल रहा है कुछ भी, ना कोई टीचर था, कुछ नहीं था। हम लोग को मोबाइल बैग लेकर के इधर बैग फेंक दिया गया। क्या सर, बस यही है कि ऑफिसर का एग्जाम है ना, अभी PSC करके आ रहा है, बार 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 हम लोग के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं BPSC AO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का एग्जाम है, जो PCS लेवल का एग्जाम है। आप लोग की क्या शिकायत है? हमारी शिकायत ये है कि एग्जाम का जो शेड्यूल टाइम था 12 से 2 था, ठीक है, और 11 बजे एंट्री कराया गया एज पर BPSC कमीशन के रूल के हिसाब से। उसके बाद 11 से 12 बज गया, 12 बजे तक अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं चल रहा था, जो एग्जाम प्रशासन है उसके तरफ से। कि हम लोग बाहर आए तो देखिए कि कोई गाड़ी आया, उन्हें जो है किसी आर्टिस्ट एग्जाम लेने का क्या ड्रामा करते रहता है बार बार। सर हम लोगों को पेपर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बोला कि आपको जो है आपको 15 मिनट आधा घंटा एक्स्ट्रा देंगे, उसके बाद चालू करेंगे। पेपर थोड़ा लेट से आया, इस तरह का जो बैड क्यूज दिया गया। बच्चों को स्पेशल रूम में एग्जाम जो ले रहा है उसको बताइए ना। हम लोग को ऐसा लग रहा है पिछले बार ले रहा है, पिछले बार 67 BPSC के तरह ही थी, किसी अलग सेपरेट एग्जाम में सेपरेट स्पेशल लोगों का एग्जाम लिया जा रहा है। और क्या क्या आप लोग को बाहर कर दिया गया? हम लोग बाहर नहीं हुए, हम लोग पूछने गए जो परीक्षा नियंत्रक थे, हम लोग को बैठने हम लोग को पेपर कब मिलेगा, हम लोग का एग्जाम कब मिलेगा, अब तो 12 बज गया है आपका पास, तो फिर हम लोग 11 SDM सर आए हैं, SDM सर आ गए हैं, अब आए हैं सर। कमलेश